शराब चीज ही ऐसी है, हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया कर खिलौना बेनकाब। जमाना खराब है, ना जोर से नाचिया के घुंघरू टूट गए। मैं दिल के दिल में रखता हूँ। पंकज उदास की 10 सुपरहिट गजलें और गीत। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया प्रोग्राम जिसमें आपको लेजेंडरी गुलकार पंकज उदास की उन 10 गजलों और गीतों के बारे में बताएंगे जो अपनी रिलीज से आज तक करोड़ों लोग सुन चुके, सुनते हैं और सुनते रहेंगे। पंकज उदास 26 फरवरी 2024 को अपने लाखों चाहने वालों को उदास कर गए और परलोक सुधार गए। 1980 को पैदा होने वाले पंकज उदास काफी अरसा से अलील थे। 72 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दम तोड़ा। पंकज उदास उर्दू गजल गायकी का एक ऐसा नाम जिन्होंने जब जब गाया कमाल गाया, वो भले शोरा आफाक शराबी गजल। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, या एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, या फिर सुपर डुपर हिट और एवरग्रीन बड़े दिनों के बाद चिट्ठी की गाई हर गजल हर गीत मधुर मौसीकी में डूबा और मिठास से भरा महसूस होता है। रेशम जैसी नरम मुलायम आवाज के मालिक पंकज उदास ने अपने 50 साल करियर में 30 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम्स के अलावा 100 से ज्यादा फिल्मी गीत गाए। 1980 को अपने पहले म्यूजिक एल्बम आहट से आखिरी गीत तक पंकज उदास की आवाज कानों में रस खोलती और दिलों में उतरती महसूस होती है। कैसे कह दूं के मुलाकात नहीं होती, तेरा उलझा हुआ दामन मेरी उलझन। इंडियन म्यूजिक में जो मुकाम अजीम गजल गायक आजानी जगजीत सिंह को हासिल है, गजल गायकी में पंकज उदास का मुकाम भी उनसे कम नहीं। इंतहाई कम उम्र में तबला सीखने के लिए संगीत अकेडमी राजकोट में दाखिला लेने वाले पंकज उदास ने चंद हफ्तों बाद ही क्लासिकल गायकी की क्लास ज्वाइन कर ली और उस्ताद गुलाम कादर खान की बाकायदा शागिर्दी इख्तियार कर ली। म्यूजिक एल्बम जश्न की तारीख साज कामयाबी ने पंकज उदास को स्टार बना दी और जब उनके चाहने वालों को मालूम हुआ कि ये वही पंकज है जिसने 8 से 10 साल की उम्र के दरमियान अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कुछ इस तरह गाया कि हाल में चंद लम्हों के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया और जब सुनने वालों को होश आया तो हाल कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस पर हाल में बैठे एक शख्स ने पंकज उदास को 51 रुपए इनाम में दिए, जिसे पंकज उदास की पहली कमाई भी कहा जा सकता है। यूं तो पंकज उदास ने अपने तवील फनी कैरियर में कई सुपरहिट एल्बम्स, गजलें और फिल्मी नगमे गाए और दुनिया भर से मौसीकी से मोहब्बत करने वालों से खूब दांत मिटी। अपने कैरियर की इब्तिदा में पंकज उदास ने गजल गायकी को फोकस किया। उनकी सॉफ्ट और सिल्की आवाज ने गायकी की दुनिया में जल्द अपना अलग मुकाम बना लिया। इस वीडियो में हम अनजानी गुलकार पंकज उदास के उन 10 सुपरहिट फिल्मी गीतों और गजलों के बारे में बात करेंगे जो अपनी रिलीज से आज तक करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। फिल्मी गीत चिट्ठी आई है एक ऐसा फिल्मी गीत है जो आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में और उर्दू जुबान समझने वालों, खुसूसन अपने मुल्क से दूर रहने वालों ओवरसीज के दिलों के तार कुछ इस तरह हिला देता है कि अपनों से दूरी का कर्ब आंखों के रास्ते बह निकलता है। इस एवरग्रीन गीत को फिल्म नाम के लिए नगमा निगार आनंद बख्शी ने लिखा और उसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तख्लीक की। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इसी तरह चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल पंकज उदास की सुपरहिट एल्बम जश्न का गीत है जिसे अनजानी गुलकार की मधुर आवाज ने मोहब्बत करने वालों के लिए अनमोल तोहफा बना दिया। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तू ही धनवान है गोरी।
इसी एल्बम में शामिल ये गजल थोड़ी थोड़ी पिया करो को पंकज उदास की आइकॉनिक गजल करार दिया जाता है। हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये गजल इस कदर पॉपुलर थी कि पंकज उदास का कोई भी शो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता था, और कई बार ऐसा हुआ कि हाजरीन की पुरजोर फरमाइश पर पंकज उदास ने इसे कई बार सुनाया। एल्बम जश्न में शामिल एक और गजल निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, कंपोजिशन शायरी और पंकज उदास की आवाज के साथ हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। इस शोरा आफाक गजल ने अपनी रिलीज के वक्त मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा जादू चलाया जो आज भी सर चढ़कर बोलता है। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। पंकज उदास का एक ऐसा रोमांटिक गीत है जिसे नौजवान रिपीट मोड पर लगा दिया करते थे। पंकज उदास की मीठी और मोहब्बत भरी आवाज ने इस गाने को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एल्बम जश्न में शामिल एक और गीत घुंघरू टूट गए भी पंकज उदास के सुपरहिट नगमों में शामिल है। इतना जोर से जिसे सुने बगैर लेजेंडरी गुलुकार का लाइव शो मुकम्मल नहीं हुआ करता था। फिल्म साजन की कामयाबी का सेहरा जहां संजय दत्त, माधुरी और सलमान खान की अदाकारी को चाहता है, वहीं मौसीकार नदीम शरवन भी इस कामयाबी में बराबर के शरीक हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट पंकज उदास के गाए गीत जिए तो जिए कैसे बिना आपके को जाता है। जिए तो जिए कैसे बिना आपके। इस गीत ने पंकज उदास को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स की फहरिस्त में टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया था। फिल्म सनम तेरी कसम का गीत मैं दिल की दिल में रखता हूं, मैं दिल की दिल में रखता हूं, बस यही मेरा दोष है। एक सैड रोमांटिक गीत है जो पंकज उदास और कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। इस फिल्म में अदाकार सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट और शिबा ने मरकजी किरदार निभाए थे। इस मेलोडियस ट्रैक को मौसीकार जोड़ी नदीम शरवन ने तरतीब दिया था। गुलकारा लता मंगेशकर के साथ गाया फिल्मी गीत और भला क्या मांगू मैं रब से पंकज उदास के खूबसूरत फिल्मी गीतों में से एक है। इस गीत की मौसीकी बप्पी लहरी ने तरतीब दी थी। पंकज उदास अगरचे अब अपने चाहने वालों के दरमियान नहीं, मगर उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहने वाली है।